आज की हमारी इस क्लास में हम बात कर रहे हैं मैच इंडेक्स एंड एच लुकअप के बारे में। जैसे मेरे पास डेटा है, अगर मान लीजिए कि अगर आपको आईडी 10 का अगर मुझे चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, तो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास वी लुकअप का ऑप्शन है कि वी लुकअप, इसको सिलेक्ट किया और आप यहाँ पे लिए और बोले एक जो क्वांटिटी वो छठे नंबर में है comma 6, comma 0, जो कि हम लास्ट टाइम में आपके साथ डिस्कस किए। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन, ये तो ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि अगर आपके पास जो आपका डेटा है, ये जो आईडी है, आईडी यहाँ ना हो के ये बीच पे एरिया के पास हुआ, आईडी यहाँ एरिया के पास हुआ, अब मुझे मान लीजिए कि एक नंबर 10 नंबर आईडी का मुझे नेम चाहिए, सो वी लुकअप तो यहाँ वर्क नहीं करेगा, क्योंकि जो वी लुकअप है वो जैसी आईडी सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको एरिया दे देगा, क्वांटिटी दे देगा, एमआरपी दे देगा, लेकिन वो पीछे नहीं जाएगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट चलता है। ठीक है, तो क्या करें, तो यहां पे हमारा मैच लुकअप का यूज होता है। तो जैसे मैं यहां पे 10 डाल दिया, सबसे पहले यहां पे मैच का फॉर्मूला लगाऊंगा, मैच फॉर्मूला क्या करेगा, इस 10 को आईडी में सर्च करेगा और मुझे बताएगा कि हमारा आईडी जो है उसका पोजीशन क्या है, तो यहां से काउंट करेगा 1, 2, 3, 4 करते हुए यहां पे 11 पे आएगा। अब ये 11 और इस नंबर 1, 11 का कोई लिंक नहीं है, ये काउंट करता है इंडेक्स नंबर, एक काउंटिंग करके देता है, ठीक है ना। अगर बीच के ऊपर का 10-20 रो खाली भी होते तो भी यहाँ पे वो 11 ही देता। तो अब हमारे पास एक इंडेक्स नाम का फॉर्मूला है। इंडेक्स फॉर्मूला में क्या होता है कि आप अपना डेटा दे दीजिए, जैसे हमें डेटा दे दिए और कॉमा, हमने बोला कि रो नंबर 11 में जाना है एंड कॉलम नंबर 2 में जाना है, तो डेटा दे दिया, तो ये क्या करता है कि एक एरिया को सिलेक्ट कर लेता है, उसमें आपको बताना होता है कितने नंबर रो एंड कितने नंबर कॉलम पे जाना है, वो उतने नंबर रो एंड उतने नंबर कॉलम पे जाता है। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब यहाँ डेटा हमारा रिजल्ट आ गया, तो अगर इस मैच को उठाऊं और इस मैच को उठा के मैं अपने इस वी लुकअप मैच इंडेक्स में 11 की जगह पेस्ट कर देता हूं, तो क्या होगा, ये वी लुकअप की तरफ वर्क करेगा कि 1 का नेम आ जाएगा, 2 का नेम आ जाएगा, 3 का नेम आ जाएगा, 4 का नेम आ, फिर मैच रखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है कि आपकी आपको अपना पूरा रेंज सेलेक्ट करना पड़ेगा, रेंज सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन यही पे एक प्रॉब्लम आती है कि जब आपके पास रेंज ना हो, मतलब कि डेटा अपडेट हो, ठीक है, तब क्या करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास इंडेक्स का फॉर्मूला है, सॉरी ऑफसेट का, माफ कीजिएगा, ऑफसेट का फॉर्मूला, इंडेक्स पर बता चुके हैं। ऑफसेट में हमें स्टार्ट ऑफ द डेटा देना होता है कि डेटा हमारा स्टार्ट कहाँ पे है, फिर देना होता है रो नंबर कि कितने नंबर रो, तो हमने बोल दिया
जैसे यहाँ पे फाइव है ना, फोर नंबर रो एंड कॉमा कौन सा था, एक नंबर कॉलम, यह नेम आ गया, मोहन आ गया। अब बोलेंगे सर यहाँ तो इंडेक्स में हमने तो यहाँ पे दो नंबर कॉलम एंड फाइव नंबर रो का दिया हुआ है, बट इसमें क्यों, क्योंकि काउंटिंग ऑफ सेट जीरो से शुरू करता है, तो इसने क्या किया यहाँ से काउंटिंग शुरू किया जीरो वन टू थ्री एंड फोर और जीरो वन मोहन पे आ गया। तो इसको भी अगर हम मैच फॉर्मूले के साथ लिंक कर दें, मैच फॉर्मूले कॉपी करते हैं और मैच फॉर्मूले के साथ अगर हम यहाँ पे लिंक कर देते हैं माइनस वन करके, तो यहाँ पे देखिए आपके सामने मोहन आ गया, तो ये भी वी लुकअप की तरह वर्क करेगा। तो मयूरी जी, सुरभि जी, रवि जी एंड नरतन जी, आपको पता चला कि ये मैच और इंडेक्स किस तरीके से परफॉर्म करते हैं? हेलो हेलो, हाँ जी सर, मैच और इंडेक्स किस तरह से परफॉर्म करते हैं, समझ में आया? वो माइनस वन जीरो से स्टार्ट किया, इसलिए किया ना जी, आपने जी, इसकी काउंटिंग जीरो से स्टार्ट होती है, इसलिए हमने माइनस वन किया। ओके, ठीक है, क्लियर है सर? ये जो वन है लास्ट वाला, वो फोर्थ रो के बाद में काउंट किया ना उन्होंने? जी जी, मतलब कि माइनस और मतलब कि जो रो नंबर देते हैं ना उसमें एक माइनस कर दी, जो इंडेक्स को दे रहे हैं उसमें ऑफसेट को माइनस कर दी। जो लास्ट वाला वन है ना यहाँ पे, वो बोल रही हूँ मैं, ये लास्ट वाला वन कॉलम नंबर हुआ ना जीरो वन। ओके ओके ओके, ऊपर में हमने टू दे रखा है ना यहाँ पे, ठीक है, टू दे रखा है, जो ऊपर देंगे और नीचे एक कम कर देंगे, ठीक है। चलो हम बात करते हैं एच लुकअप के बारे में। अब डेटा आपका टॉप टू बॉटम है तो आपने इसका यूज कर लिया, लेकिन मान लीजिए कि डेटा यहाँ पे हमने पेस्ट स्पेशल करके इसको कर दिया ट्रांसपोज, अब मेरा डेटा हॉरिजॉन्टल है, अब मुझे यहाँ पे नंबर 10 का एमआरपी चाहिए या क्वांटिटी चाहिए, तो यहाँ तो वी लुकअप तो लग ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे जब डेटा हॉरिजॉन्टल वे में हो, मतलब जो आपकी यूनिक आईडी हॉरिजॉन्टली हो, तो यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग एच लुकअप। एच लुकअप इसको सिलेक्ट किया और अपने अपने टेबल को सिलेक्ट करते हैं और कॉमा हमने यहाँ पे दिया टू, कॉमा हमने यहाँ पे जीरो, अरे टू यहाँ पे मतलब जो मैं वन एंड टू द एरिया देगा, मुझे एम आर पी चाहिए तो मुझे यहाँ पे देना है फोर, रो नंबर फोर, जस्ट लाइक वी लुकअप होता है, राइट? तेरे जीरो क्यों दिया? जीरो को एग्जैक्ट मैच, इसको हम मैच इंडेक्स या मैच ऑफसेट से भी कर सकते हैं। हमने मैच लिया, मैच में हमने इसको सिलेक्ट किया और क्योंकि मैच वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों चलता है, तो इसने इसका कॉलम नंबर दे दिया 11 और फिर यहाँ हम देंगे इंडेक्स फॉर्मूला। इंडेक्स में हमने डेटा को सिलेक्ट कर लिया पूरे को और हमें रो नंबर पता है कि चौथा नंबर है और कॉलम नंबर पता है हमें, सॉरी ये हमारा 11 नंबर है। तो देखिए अब आपका जो है यहाँ पर 10 के जगह पे मैं 8 करता हूँ तो यहाँ 60 आ गया। तो इस मैच को हम कॉपी करते हैं और इस मैच को कॉपी करते हैं और यहाँ I-38 के जगह पे इसको पेस्ट करते हैं। ओके, जब मैच लग सकता है तो ऑफसेट भी लग सकता है, जो इंडेक्स लग सकता है तो ऑफसेट भी लग सकता है। स्टार्टिंग ऑफ द डेटा, एंड रो नंबर पता है हमें कि ये 3 है क्योंकि हमने इंडेक्स को 4 दिया है, तो यहाँ 3 देना पड़ेगा और इसमें से हम माइनस 1 कर देते हैं मैच में से। आ गया सर? तो
इंडेक्स मैच पता चल गया क्या होता है, लेकिन इस इंडेक्स मैच का यूज जो है अब कम होता है, जिसके पास 2019 है उनके पास न एच लुकअप की जरूरत है न ही जरूरत है हमारा मैच इंडेक्स का। मुझे यहाँ पे 9 नंबर आईडी का अगर मान लीजिए सिटी चाहिए, तो अभी हमने बताया कि मैच इंडेक्स लगाएंगे वी लुकअप नहीं लाएगा। एक फॉर्मूला है एक्स लुकअप, जी हाँ ये लेटेस्ट वर्जन के एक्सेल में आएगा आपको, ये सब कुछ करता है। लुकअप वैल्यू, हमने लुकअप वैल्यू में यहाँ पे लुकअप एरे के किस कॉलम में मैच करना है, तो हमने बोला इस कॉलम में मैच करना है, ओके। फिर आता है क्या रिटर्न करना है, तो मुझे सिटी रिटर्न करना है। अगर डेटा ना मिला तो मतलब कि अगर मान लीजिए कि 10 है ही नहीं तो क्या करें, तो हमने बोल दिया डेटा नॉट फाइंड, और फिर इसको मैंने मैच मोड एग्जैक्ट करना है और एंटर करना है। आ गया दिल्ली, ठीक है। एक्स लुकअप वी लुकअप की तरह वर्क करता है, और जैसे हॉरिजॉन्टल है तो यहां भी हम लगा सकते हैं एक्स लुकअप, और हम लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे टेबल को अपना डेटा को, और फिर यहां पे करेंगे रिटर्न को जैसे एमआरपी चाहिए, और यहाँ पे जीरो पर एग्जैक्ट मैच कर दीजिए या फिर एन भी दे सकते हैं, ये बाकी जीरो देना जरूरी न देना आपके हाथ में। आ गया 60, समझ में आ गया आप लोगों को सर। तो आज की आज में हमने मैच इंडेक्स के बारे में जाना, हमने आपको मैच ऑफसेट के बारे में बताया, एच लुकअप के बारे में बताया, और हमने बताया आपको एक्स लुकअप के बारे में। तो वी लुकअप, एक्स लुकअप, मैच इंडेक्स, ऑफसेट, पांच फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। वी लुकअप, एक्स लुकअप, मैच इंडेक्स, ऑफसेट, राइट। तो मुझे इन पांचों फॉर्मूले के पांच पांच एग्जाम्पल बना के भेजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसको बगैर प्रैक्टिस को सीखा नहीं जा सकता।